अभी यहाँ पर काफ़ी स्कूटर्स है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो कि आप ऐप पर शो हो रहे होंगे। और ऐप पर कैसे शो होता है, कैसे पता चलता है कौन सा अवेलेबल है ना, अब इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको लाइसेंस ज़रूरी है। अभी ये ऑन हो चुका है, तो इसको अभी स्पीड इसकी अभी है 13 माइल भी हो सकती है, 13 माइल के हिसाब से चल रहा है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल दोस्तों, नए साल की बधाई हो, और आप पॉजिटिव सोचें, सब कुछ करें आगे। तो आज नया साल है, तो आज मैं जाने वाला हूँ फिर से सिटी सेंटर। वैसे तो ऑलरेडी मैंने शॉपिंग कर ली थी बॉक्सिंग डे में, तो आज वैसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। और आज देखते हैं क्या माहौल है। आज ठंड भी काफ़ी कम है पहले से, क्योंकि आज धूप भी लग गई थी इसके कारण, और बर्फ़ वगैरह तो यहाँ नहीं पड़ती, एक दो दिन ही पड़ी थी बस। उसके बाद अभी मौसम बिल्कुल सही है, तो अभी बैग डाल लिया है। और उसके बाद मैं अभी देख रहा हूँ जो ई बाइक होती है, जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है, आज उस पर जाएंगे। साइकिल वगैरह कुछ नहीं, ना बस वगैरह कुछ भी नहीं, आज उसका टेस्ट करेंगे। और देखते हैं वहाँ पर स्टैंड होगा आगे, तो वहाँ पर चलते हैं, लेट्स गो। अभी पहले मैंने ई बाइक का जो ऐप होता है वो डाउनलोड करना होता है, अभी मैंने डाउनलोड किया है। और उस पर पहले मैंने सबसे पहले चार्जेस वगैरह देखे हैं, और जैसे कि हमारे अनलॉक करना होता है ना उसको, ई बाइक को अनलॉक करने के ही चार्ज 1.50 pound है, यानी कि 150 rupees वो पड़ता है। जितनी बार भी आप ई बाइक लेते हैं, आपको 1.5 pound आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आता है 1 minute के चार्ज है 14 rupees, यानी कि 40 pence। सो अभी देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं, कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर बस तो है ही, बस भी चीपर पड़ती है इस हिसाब से। अगर लोग अनलॉक प्राइस ना होती तो ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि 5-10 minutes में सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं इससे, और बस में आपको लगते हैं नियर अबाउट 2 pounds, तो उसका पास भी आ जाता है 5 pounds में। तो अगर इसका हम ऐसे पेमेंट करें 3 pound तो आने जाने के लग जाएंगे, और अगर 4 pound तो बस जैसा ही खर्चा हो जाएगा। तो वैसे मैं बंडल में आप मिनट्स लेते हो तो आपको पड़ते हैं सस्ते, 5 pound में 100 minutes मिल जाते हैं। और अलग पौधे पंगे लेकर अभी मैंने 5 pound की पेमेंट की है ऑनलाइन, यानी कि 500 rupees की मैंने पेमेंट कर दी है। और यहाँ पर अभी साइकिल खड़ा है, वो ई बाइक नहीं है। और अगर साइकिल को मैं अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करने की कोई प्राइस नहीं है, अगर ई बाइक करता हूँ तो 1.50 pound आपको देने पड़ेंगे। तो अभी आपको ये बाइक दिखाता हूँ, वैसे तो खड़ी है सामने मेरे, और इसका मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको 10 pence देने होते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आपको सिर्फ 5 pence देने होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये आता है, इस पर लिखा हुआ है होल्ड योर फ़ोन एंड हेयर टू अनलॉक। उसके बाद ये नंबर लगाना होता है, एंटर ई बाइक आईडी, ये आईडी होती है, ये ऐप पर जगह लगानी होती है, ये पूरी डिटेल दी हुई है। और अभी बताती हूँ, ये लॉक अपने आप ओपन हो जाएगा जब अनलॉक करूँगा। और उसके बाद आपको ऐसा ही स्टैंड चाहिए, अगर वहाँ पर लगाते हो आपको कोई चार्जेस नहीं देने, अगर बाहर लगाते हो कहीं और लगा देते हो तो आपको चार्जेस 10 pound तक देने पड़ेंगे। तो ये देखो अभी इसको, उसके बाद दूसरी बार आपको बताता हूँ, अगर आप फिनिश करना चाहते हैं कैसे फिनिश करना है। फिनिश करने का लिखा हुआ है इसमें कि आपको ये लॉक करना है, जैसे कि इंडिया में हम लॉक करके चले जाते हैं, इसको लॉक कर देना है और वहीं पर आपका टाइम ख़त्म। तो ये स्कैन करते हैं पहले, डाउनलोड करने के बाद अनलॉक यूजिंग इलेक्ट्रिक असिस्ट विल स्टार्ट व्हेन यू पैडल। और उसके बाद ये पूरी डिटेल बताइए, पार्क में करना है, और क्लोज करने के लिए आपको लॉक करना होगा। और तो ये ऐप आ जाता है सामने, देख रही है यहाँ पर एक ही बाइक मैंने आपको दिखाई है, तो सिर्फ एक ही दिख रही होगा। उसके बाद ये मैंने आपको जो नंबर बताया था वो लगाना होता है 8 8 9 00 6, और ये मैंने लगा दिया, अभी डन कर दिया मैंने अनलॉक जी, अभी अनलॉक हो रहा है। तो अनलॉक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें बाइक में प्रॉब्लम है, और मेरे 4 pound यहाँ पर ही लग गए वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्क में गया, वहाँ पर जाकर मैंने फिर से न्यू लिया। ये पैदल चलना पड़ रहा है, वो बाइक अनलॉक नहीं हो रही थी, उसमें कोई इशू था, मेरे पाउंड भी कट चुके 4 pound। तो उसके लिए अभी फिर से मुझे कॉल करनी पड़ी है, तो आप खुद हिसाब लगाओ, ना ई बाइक मिली है मुझे कोई भी यहाँ पर, और ना ही आज कोई बस चल रही है। और आज मेरा डिसीजन देखो, मैंने अपना खुद का साइकिल भी नहीं लिया, चलो सोचता था कि चल आज ये यूज़ करूँ, लेकिन मुझे क्या पता था
आज मेरे साथ ये होने वाला था। चलो तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, आगे देखते हैं कोई लिफ्ट देता है तो लिफ्ट लेते हैं। बस वगैरह तो भाई साहब नए साल क्रिसमस वगैरह में चलती नहीं, बंद ही कर देते हैं। अरे एक दो तो चलाओ, नथिंग। फिर से खड़ा हूँ दूसरे स्टैंड पर, यहाँ पर बाइक भी है और जो स्कूटी ई बाइक जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक बाइक बोलते हैं वो भी खड़ी है, तो इसको अभी यूज़ करके फिर से देखते हैं। और उनसे ही मेरी बात चल रही है, चैट में भी मेरे 4 पाउंड क्यों काटे गए वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं अभी उनसे। ये वाले नंबर भी है इसका और ये देखो, तो देन वाई वी कैन स्टार्ट सो हेयर। तो कोई है बहुत मुश्किल से जो दूसरा उसमें लाइसेंस मांग रहा था, लाइसेंस मैंने अपलोड किया जो यूके का लाइसेंस होता है, लेकिन आई डोंट नो वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये बहुत सीट बहुत इसकी ऊंची है, लेकिन अभी यूज़ तो कर रहे हैं, देखते हैं कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। तो ये अभी पता चलेगा कितने पाउंड्स इसके लगते हैं, लेते लिया है अभी, आई डोंट नो ये सही तरीके से मेरा जोर लगेगा नहीं इसमें, लेकिन अभी आगे जाके पता चलेगा ली इसकी। तो अभी तक इतना जोर नहीं लग रहा, लेकिन देख लें जब जोर लगेगा, क्योंकि आगे ढलान से अब वहाँ से ऊपर चढ़ना है फिर पता चलेगा। जनाब अभी ढलान आ चुकी है, तो यहाँ पर अभी ब्रेक भी आगे वाली है, तो मैं चेंज करना पड़ेगा हाथ भी अपना, ढलान से नीचे हो गए। अभी ऊपर पर देखते हैं कैसे जाती है, जोर लगता है कि नहीं, जोर तो लग रहा है पता। भाई साहब ये नाम की है, पैसे देने वाला काम है इसमें, दूसरा समझ आ गई मुझे, बिल्कुल पैसे बर्बाद करने वाली बात है ये साइकिल पर। सांस भी पूरी चढ़ रही है, और ई बाइक मेरी जो दूसरी तो वो हो नहीं पा रही थी, नेटवर्क का इशू था। लेकिन पहले मैंने 4 पाउंड काट ली, उसमें अनलॉक नहीं हो रही थी, ये अपने आप अनलॉक हो गई। तो यहाँ पर स्टैंड पर लगा रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जोर इसमें भी लगता है वो ले, दूसरी सही है, इसमें आपको पैसे देने वाली बात है। यार मैं मैप पर देखा था, मैप पर आ रहा था कि स्टोर्स वगैरह ओपन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या इनका नया साल है, तो सालों को नया साल भी नहीं मनाता, कैसे नया साल मनाते हैं, कोई रश वगैरह नहीं आया, 4 बजे तक अगर खोलो कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद, ये कैसा नया साल है इनका। चलो जाना, अगर जाना चाहते हैं इंजॉय करना चाहते हैं, रात को पब में जाएंगे क्या करेंगे, यही है इनका इंजॉयमेंट। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ सब कुछ बंद है, बस भी नहीं चल रही, और मेरे पैसे भी बर्बाद हुए, मैंने इस हिसाब से ही मैंने 1500 रुपया इसी में खर्च कर दिया, ये वीडियो को बनाने के चक्कर में ही, कि मैं आप खुला हुआ है, खुला भी ऐसे लग रहा है जैसे बंद होता है, कोई रश वगैरह नहीं है, ये देखो किस कहीं भी रश देख रहे हो, क्या यार नया साल है इनका। तो इस तरफ आ जाते हैं, ये देखो ऑफिस में भी 50% की ऑफ मिल रही है, सो इस तरफ आ जाता है, इसमें तो ऑफ चलती रहती है। तो ये लिप बाम है 50 रुपये की, 1.5 पाउंड की है, कभी 2 पाउंड की कर देते हैं, जो रेट इनका चलता है वही लगा देते हैं। तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, जो साइज़ वगैरह नहीं आते थे वो चेंज कर लिए हमने, तो अभी जा रहे हैं, माहौल आपको पता ही है यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर वाला कोई भी माहौल नहीं है। तो अभी जो जो शोरूम वगैरह जो भी मॉल्स वगैरह खोले हैं वहाँ पर देख रहा हूँ, और इसकी वीडियो मैं ना नहीं बना रहा, प्राइमा के ऑलरेडी बना चुका, अगर देखनी है आप देख सकते हैं। वैसे ऑफ लगी है 50% तक डिस्काउंट, थोड़ी बहुत ही मैंने आपके लिए ट्रेलर के तौर पर बना दी है। तो अभी फिर से जा रहा हूँ मॉल की तरफ, जो चैंटरी मॉल आ जाता है, तो आई डोंट नो अगर ओपन होता है तो चलते हैं अंदर। तो ये सुपर ड्राई आ जाता है, अप टू 50% अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है यार। तो यहाँ पर रश लग रहा है थोड़ा वो सही है। तो ये यहाँ से लिए थे, अभी भी एक पड़ा है, ये वाला लिया है, कैसी है इसकी लुक, सिंपल है और सोबर है, लेकिन यार ये थोड़ा सा टाइट है, यहाँ से टाइट हो जाती है। तो अभी ओपन किया, इस हिसाब से इस पैर, ये वाला पैर सही है, ये बड़ा थोड़ा टाइट है, अभी पैर दर्द हो रहा है। वहाँ पर ही जाऊँगा कि बाइक की वीडियो बनाता हूँ अंदर की, आपको मैंने पहले भी दिखा दी है,
जो कि मैंने क्रिसमस के लिए बनाई थी, उसमें ऑफ़र वगैरह लगे थे, अप्रैल में भी लगे थे और ब्लैक फ्राइडे में भी ऑफ़र लगा था, वो मैंने बनाई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं ई बाइक पर जाकर वीडियो बनाता हूँ यार, ऐसे भी फिर से आ चुका हूँ। ई बाइक ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बोलते हैं, तो ये लेते हैं। इसका अब इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको लाइसेंस ज़रूरी है, लाइसेंस के बिना आप नहीं चला सकते इसको। जब भी आप प्रोसेस करेंगे वहाँ पर लाइसेंस वगैरह मांगता है, वैसे मैंने लाइसेंस अपलोड किया हुआ है। तो अभी देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर वगैरह नहीं लगता उस पर, जोर लगा उस पर पैदल मारने पड़ते ही हैं आपको। तो चलो इसको देते हैं 100, तो ट्राई करते हैं अभी इसको भी। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया करें। और भूख लग गई थी यार कुछ खाने के लिए, ये था एक एनर्जी ड्रिंक थी तो ये ले ली। और अभी यहाँ पर काफ़ी स्कूटर्स है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो कि आप ऐप पर शो हो रहा होंगे। और ऐप पर कैसे शो होता है, कैसे पता चलता है कौन सा अवेलेबल है? ऐप पर नंबर आ जाते हैं, नंबर जैसे कि 891 है ना, उसके लास्ट में लिखा हुआ 891, आपने देखना है जहाँ पर हाँ ये वाला है तो ये अवेलेबल है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और ये अभी ये ऑन हो चुका है, तो इसको अभी लेते हैं और यूज़ करते हैं। स्पीड वगैरह आ रही है, पीछे लाइट चल चुकी है, तो अभी चलते हैं। पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूँ यार, यहाँ पर फ़ोन नहीं चला सकता, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यूज़ तो करने लगा हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको साथ में मोबाइल हैंडल करना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ये एक हाथ से नहीं चलता। अगर एक हाथ से चलाऊँगा तो मैं गिर सकता हूँ। तो बहुत ईजी है चलाने के लिए भी, लेकिन इसके लिए लाइसेंस चाहिए UK का, तो मैंने लाइसेंस दिया था। तो अभी थोड़ी सी वीडियो भी हिल रही होगी, तो स्पीड इसकी अभी है 13 माइल भी हो सकती है, 13 माइल के हिसाब से चल रहा है, 13 किलोमीटर इंडिया के हिसाब से, लाइट वगैरह सब कुछ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, वैसे तो हेलमेट भी लिखा हुआ है, हेलमेट भी जरूरी चाहिए, लेकिन हेलमेट को देना चाहिए साथ में, कौन उसके लिए खर्च करे। तो मैं भी, तो अभी मैं 5 मिनट में आ गया हूँ, लेकिन इसके जो चार्जेस है 1.50 pounds लगते हैं अनलॉक करने के लिए, तो वो थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन आप इंजॉयमेंट पूरा कर सकते हैं जैसे कि बाइक वगैरह का राइड करते हैं ना, ये वही चीज़ है, ऐसे हमें करना पड़ता है। एक हाथ से चला रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी सपोर्ट ली है इसके कारण मैं अभी सही तरीके से चला रहा हूँ। तो ये अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके स्पीड वगैरह चल रही है ना साथ में, कितनी स्पीड में जा रहा है, तो ये अभी जा रहा है कितने किलोमीटर, और इसमें ये भी लिखा होता है कितने माइल्स तक चलेगा, ये 20 माइल्स तक चलेगा। तो वैसे तो मेरा चलो अपना घर आ ही रहा है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो यही आपको दोस्तों मैंने बताना था, और लोकेशन पर तो आ चुका हूँ, तो बस ऐसे ही राउंड मार रहा हूँ एक, तो उसके बाद चलते हैं रूम के अंदर, ठंड भी काफ़ी हो चुकी है। ये अभी स्टैंड पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी राइड एंड करते हैं। तो ये स्टैंड है, तो अभी एंड करते हैं यहाँ पर, और सब कुछ अभी बंद हो चुका है। ये मैंने ऐप के थ्रू किया है इसको, आगे घर की ओर, रूम की ओर पैदल। तो अगर दोस्तों जी आपको वीडियो सही लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, और इसमें मैंने अलग से 6-7 pounds भी लगा दिए, जो कि मुझे पता नहीं रिफ़ंड मिले कि नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हमारी तरफ से कैंसिल है, हमें कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन कम ऑन या व्हाट्स योर नेम ब्रदर? हॉली एंड योर्स? आहा, व्हाट्स योर? ओह शिट मैन, सो यू लिविंग हियर? ऑफ कोर्स। ओके, बच्चे बहुत गंदे हैं साथ में, ये इंग्लैंड के बच्चे हैं ना, इनको बातें करनी बहुत आती है।